पतली पतली सी नाक, पतला चेहरा, बिखरे बाल, पीली रंग की शर्ट और लंबी टांगे, लंबी लंबी टांगे और मोटा वाला मोटू था। ये थी पहचान हमारे क्रुकबांड की, बचपन के सुपर हीरो। आज भी मैं इमेजिनेशन करता हूँ, अगर ये हीरो होता तो मोस्ट सक्सेसफुल होता कॉमिक्स इंडस्ट्री के मार्केट में। नाजरा खान जी का ये कथानक है और कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है। RTC यानी राजनगर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसकी बसों का भीड़ से खचाखच भरा होना आम बात है और इसका लाभ उठाते हैं कुछ असामाजिक तत्व। हंगामा तब होता है जब लाख सावधानी के बाद भी यह हरकत लोगों की नज़र में भी आ जाती है। अरे पकड़ो साले को, जेब काट कर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। जब कतरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े लोग अचानक ठिटक कर रह गए, आंखों से आश्चर्य और दिल में दहशत भरती चली गई। कारण था जब कतरे के हाथ में थमा हुआ हथियार, जिसे सारी दुनिया एक ही नाम से जानती है, AK-47 राइफल। उफ, एक जेब कतरे के पास AK-47 राइफल की दहशत से गीदड़ बन चुके लोगों को देखकर सिंह सा दहाड़ा जेब कतरा, खबरदार जो कोई मेरी तरफ बढ़ा छलनी कर दूंगा, ट्राट 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 पीछे हटो। लोगों को हक्का बक्का खड़े छोड़कर बस से उतरा जेब कतरा। हा हा हा, जब से राइफल हाथ लगी है पकड़े जाने का खतरा दूर हो गया है। अब तो सोचता हूँ जेबें काटना छोड़कर बैंक लूटने का काम कर दूँ। सेंट स्टीफंस स्कूल का परीक्षा कक्ष गूंज रहा था टीचर की कड़क आवाज़ से, हमको मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं न कीजिए, हम जानता हैं आप लोग अपनी जेबों में नकल का सामान छिपा कर रखे हुए हैं, चलिए निकालिए उसे बाहर। छात्र ने निकाल लिया जेब में पड़ा हुआ सामान, जिसे देखकर टीचर के 53 काकुट है। हैंड ग्रेनेड? यस सर, और इसे मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ, अगर आपने हमें नकल करने से रोका तो। जानबूझकर अधूरी छोड़ दी छात्र ने अपनी बात, लेकिन टीचर की हालत बता रही थी कि वह छात्र की अधूरी बात को भी पूरी तरह समझ गया है। फिर एक छात्र की अकलमंदी का फ़ायदा उठाया पूरी क्लास ने। राजनगर के स्थित मस्जिद बाजार में, सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज से इस इलाके में मेरा हुक्म चलेगा, जिस किसी ने होशियारी दिखाई या हफ्ता देने में आनाकानी की उसे गोली से उड़ा दूंगा, समझे। यह था बुंदा, मछली बाजार के नुक्कड़ पर बैठने वाला एक साधारण भिखारी, जिसके हाथ में रिवाल्वर आते ही बदमाश मन बैठा था। हैरानी का सागर ठाठे मारने लगा सभी के चेहरे पर। ओए तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना बुंदा, इस खिलौनों को फेंक और आकर नुक्कड़ पर भीख मांग, वरना रात को भूखा सोएगा। आग बबूला हो गया बुंदा, सालो लगता है तुम सब बिना गोली खाए समझोगे नहीं। सुनो अब बुंदा भिखारी नहीं दादा बन गया है, दादा बुंदा दादा आह ट्राट, और वो गोली चला देता है। तुरंत फैल गई दहशत, अब जिसने भी अपना हफ्ता देने से ना बोला उसका हलक गोलियों से भर दूंगा, समझा, निकालो हफ्ता। इसी पल जैसे गास या गिरी बुंदा के ऊपर, तुझे हफ्ता नहीं हजारों हफ्तों की जेल मिलेगी बुंदा, और तुझे जेल तक पहुंचाने का इंतजाम करेंगे हम, यानी क्रुकबांड और मोटू। रिवाल्वर के साथ ही गरज उठा बुंदा, तुम्हारी मौत तुम दोनों को बुंदा के सामने खींच लेगी, धा धा धा। लेकिन गोलियां भाला क्रुकबांड और मोटू का क्या बिगाड़ पाती। फिर बुंदा को हौलदार रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पाया। बच्चा ओह, खाने के साथ साथ मछली इस काम में आती है, ये तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा मिस्टर बुंदा, मेरा मतलब है मिस्टर गंदा। धारधार बरसती मोटी मोटी मछलियों की बारिश ने बुंदा को तांडव करने पर मजबूर कर दिया था। आह हाय मर गया, पलभर बाद ही बुंदा मछलियों के ढेर में दबा पड़ा हुआ था। चल बे मोटू, उठा ले इसे और ले चल थाने। बांड भैया यह तुम्हारी नाइंसाफी है, जब भी किसी को मारते हो तो उसे ढोने का काम मुझे सौंप देते हो। कुछ देर बाद बुंदा ही एक ऐसा पहला केस नहीं है कुर्बान, बल्कि हमने कुछ दिनों में ऐसे ऐसे आदमियों के हाथ में हथियार थमे देखिए जिनके हाथों में हथियार का बोझ संभालने तक का दम नहीं है।
और आश्चर्य की बात यह है कि वो हथियार उन्होंने किसी से खरीदे नहीं बल्कि उन्हें मुफ्त में मिले हैं। घूम कर रह गया था क्रूपॉन्ड और मोटू का दिमाग। आएँ AK-47 हथगोले रिवॉल्वर जैसे हथियार मुफ्त बट रहे हैं। हाँ बेटे, परसों रात हमने भिखारियों का एक टोली पर दबिश डालकर 20 भिखारियों से घातक हथियार बरामद किए थे। पूछने पर हर भिखारी ने यही बताया था कि उन्हें ये हथियार भीख में मिले थे। लेकिन ये कर कौन रहा है? कौन है वह जो इतने बहुमूल्य और घातक हथियारों को मुफ्त में बांट रहा है? पता नहीं, इसका पता लगाने के लिए पूरा प्रशासन परेशान हो रहा है। मतलब यह कि चोरी छिपे हथियार बांटकर इस शहर को बारूद के ढेर पर बैठाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई अनर्थ ना हो जाए उससे पहले ही यह पता करना होगा कि यह सब कौन और क्यों कर रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित शानदार रिवॉल्वर पार्क नाम शायद इसे पड़ा क्योंकि पार्क के बीचों बीच बनी है पत्थर की एक बड़ी रिवॉल्वर। काश कोई जान पाता कि पत्थर की उस बड़ी रिवॉल्वर के अंदर बना हुआ है हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का हेडक्वार्टर, जिसके प्रत्येक सदस्य के दिलो दिमाग पर राज करता है AK-47। AK-47 के सामने मौजूद गैंग के प्रत्येक सदस्य के मुख्यमंडल की शोभा बढ़ा रहा था प्रश्नों का गुलदस्ता। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए सर कि जिन हथियारों को बेचकर हम लाखों रुपये प्राप्त कर सकते हैं उन्हें आप मुफ्त में क्यों बंटवा रहे हैं? मुस्कराया है कि इसे 47 ने बोला, ये बिजनेस पॉइंट है दोस्तों। आर्ट्स एडवर्टाइजिंग और कंपटीशन का ज़माना है। आजकल जो भी नई कंपनी मार्केट में आती है उसे अपनी मार्केट बनाने के लिए अपने माल को बहुत ही कम मूल्य या फ्री लोगों को इस्तेमाल करने का देना पड़ता है ताकि लोग उनके माल का इस्तेमाल कर उसकी उपयोगिता और गुणवत्ता जाने व उसके आदि हो जाए। ठीक है, यही हमने भी किया है। हम हथियारों के बिजनेस में नए आए हैं इसलिए हमने अपने माल को लोगों में फ्री बंटवाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मार्केट की रिपोर्ट है, गुंडे बदमाश हमारे फ्री के माल पर न केवल टूट टूट पड़ रहे हैं बल्कि उन्हें धड़ल्ले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद वे हथियार उनकी ज़रूरत बन जाएंगे और तब हम उनकी मनचाही कीमत निर्धारित कर देंगे। इस तरह हमारा माल लाइन लगाकर बिकेगा और हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े हथियार विक्रेता बन जाएंगे। ओह, बड़ी घिनौनी योजना थी AK-47 की। इधर कुरबांड और मोटू शहर में हथियार बांटने वाले गैंग की तलाश में भटक रहे थे। बांड भैया, सुबह से भटकते भटकते रात के 2 बज चुके हैं, अब तो चलो घर चलो। नहीं मोटू, जुर्म के जिन कीड़ों की तलाश में हम भटक रहे हैं वह रात के अंधेरे में ही मानवता को डसने निकलते हैं, इसलिए सिर्फ आज की रात क्या, यही मेरी ज़िंदगी की तमाम रातें भी उन्हें ढूंढने में निकल जाए तो मुझे गर्म नहीं। वाह बांड भैया, क्या बात कही है। आज मुझे फ़क्र महसूस हो रहा है कि तुम जैसे महान जासूस का शिष्य हो। इसी पल वातावरण में गूंजती चली गई किसी मासूम अबला की बेबस चीख, बचाओ ले मोटू, लगता है हमारी तपस्या का फल मिलने वाला है। सही था कुर्बान का अनुमान। सड़क पर अंधाधुंध भागती वह युवती और उसके पीछे द्रुत गति से आती कार साबित कर रही थी कि मामला गड़बड़ है। दहशत का बाउंडर उठ रहा था युवती के चेहरे पर। उफ, अब नहीं बचूंगी मैं, मौत पास और पास आती चली जा रही है। लेकिन मौत से पहले उस युवती तक पहुंचे उससे शरीर, लंबी पतली शरीर, दुबली पतली नाक और लंबा पतला चेहरा और नाक लंबी सी, ये एक रुकबांड मेरे फेवरेट पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक, जो उसे लेकर सड़क पर लुढ़कता चला गया। वार खाली जाता देखकर हड़बड़ा गए बदमाश। कार रोको, उस युवती को मारना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमने उस युवती को मारने की सोची तो हम मारे जाएंगे क्योंकि कुर्बान आ गया है। कुर्बान का नाम सुनते ही कार को तोप से छूटा गोला बना दिया ड्राइवर ने। कुर्बान के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं, वह मारता कम है और घसीटता ज़्यादा है। इस घटना की सूचना बॉस को देनी होगी। हैरानी के सागर में गोते लगा रहा था कुर्बान उस युवती की बातें सुनकर। क्या वह गुंडे
शहर में हथियार सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्य हैं। हाँ कुर्बान भैया, पिछली कई रातों से शहर की गलियों में भटक रही थी मैं इन दरिंदों की तलाश में। अचानक मेरी निगाह शहर में हथियार सप्लाई करने आए दो आदमियों पर पड़ी। यही है वह शैतान जो पूरे शहर को आग में झोंक देना चाहते हैं। अब यह मेरी निगाहों से नहीं बच सकते और मैं उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंच गई। सावधानी के साथ मैं उनकी काली करतूत अपने कैमरे में कैद करने लगी। बस एक बार यह सबूत पुलिस के पास पहुंच जाए फिर यह शैतान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसी पल दो मजबूत हाथों ने छीन लिया मेरा कैमरा। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है लड़की, यह मत समझना कि तुम्हारा पीछा करके यहाँ तक पहुँचे है। हम तुझे जानबूझकर अपने पीछे लगाकर यहाँ पे लाए हैं ताकि इत्मीनान से तेरा काम तमाम किया जा सके। झपटे सारे बदमाश मेरी ओर, पर वे बेचारे नहीं जानते थे कि मुझे जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त थी। नारी को हमेशा अबला समझा है तुम दुराचारियों ने धाड़। आज तुम्हें पता चलेगा जब नारी चंडी का रूप धारण करती है तुम जैसे बिजली बनकर टूटती है। इधर हाथ पैरों के साथ ही तीव्र गति से चल रहा था मेरा दिमाग। इनका मुकाबला करते हुए मुझे यहाँ से भागना होगा। जो जानकारी मैंने जान की बाजी हासिल लगाकर की है वह मेरी मौत के साथ अंजाम हो जाएगी। इस विचार ने मेरे दिल में एक नया जोश भर दिया और मौका पाते ही मैं वहाँ से भाग निकली। ओह, लेकिन हथियारों के सौदागर का पता लगाने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? अपने प्रोफेशन के लिए मैं मनोज टाइम्स की रिपोर्टर हूँ। अपना फ़र्ज तुम अंजाम दे चुकी बहन, अब मेरी बारी है। ऐसा कहर बनकर टूटेगा कुर्बान की उन पर जल जला आ जाएगा। दुबली पतली नाक फड़फड़ा उठी, क्रोध से धधक उठा था कुर्बान का हंसमुख चेहरा। कुर्बान की भांति ही धधक रहा था AK-47 भी। हमें नहीं मालूम कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम जैसे नाकाम नकारा लोग भी शामिल है। तुम्हारी असफलता हमारे धंधे पर पहली चोट थी और हमारे धंधे को नुकसान पहुँचे यह हम कभी सहन नहीं कर सकते। टाइगर छोड़ दे कुत्ते, इसकी मौत की बाजी लोगों के लिए सबक होगी। आज़ाद होते ही शिकार पर टूट पड़े कुत्ते। हृदय विदारक चीखों से और गुर्राहटों से भर गया था वातावरण। कुत्तों ने नोच कर बोट कर खा गया था उसे, जिसके मध्य घुसती AK-47 की दहाड़ती आवाज़ उसे और भयानक बनाए दे रही थी। वह जासूस की औलाद अवश्य ही गोदाम तक पहुँचेगा। स्टेनगन को सूचित कर दो, वह बच कर नहीं जाना चाहिए। ओके बॉस। उधर रोमी कुर्बांड और मोटू को लेकर हथियारों के सौदागर के अड्डे तक जा पहुंची थी। यही है उनका अड्डा बांड भैया। ठीक है रोमी, तुम यही ठहरो, हम देखते हैं। रोमी को वहीं खड़ी छोड़कर कुर्बांड और मोटू अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जहाँ छाया हुआ था मौत का सन्नाटा, हथियारों का जखीरा तो यहाँ मौजूद है लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा है। लगता है हमसे डरकर भाग निकले हैं। इसी पर बम के धमाके की मौत से की भांति गूंज उठी अचानक यह आवाज़, भागे नहीं है, भेज दिए गए हैं दूसरी दुनिया में, क्योंकि AK-47 गैंग में असफलता की सजा केवल मौत है। तू कौन है भैया? स्टेनगन, AK-47 का ट्रबल शूटर। जब भी मेरे सामने तुम्हारे जैसे कोई ट्रबल आ खड़ी होती तो मैं उसी ही शूट करता हूँ। तुम्हारी ये गोलियाँ हमारे शरीर को नहीं छुपाएंगी, यह तुम्हारी गलत फहमी है। अरे हम तो बचपन में भी कंचों की जगह गोलियों से खेलते थे। बांड भैया, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया? कोई बात नहीं मोटू प्यारे, जब बोल ही दिया है तो संभाल लेंगे। कुर्बांड के वार ने भड़का दिया था स्टेनगन का क्रोध। कीड़ो, तुमने स्टेनगन को चोट पहुँचाई, उफ धड़ाक, और यही पड़ा एक जोरदार मुक्का कुर्बांड की नाक पर, जो कि हर एक कॉमिक से पड़ता है। कुर्बांड की नाक जो है कि पकौड़े की तरह जो है कि सूज जाती है, और उसका कोई जिसका कि समाधान नहीं मिलता है। यही इस कॉमिक्स की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
छीथड़े छूछड़े उड़ा दूंगा तुम्हारे, बोटी बोटी काट डालूंगा। स्टेन गन वार करने आगे बढ़ा, लेकिन क्रुकबाण ने भी दिखा दिया कि उसका भी कोई जवाब नहीं था। खटाक, डायलॉग अच्छा बोलते हैं तू, तुझे तो फिल्मों में डायलॉग राइटर होना चाहिए था। खटाक, और मोटू ने दिखा दिया कि वह भी क्रुकबाण से कम नहीं है। ये पड़ा मोटू का भीमसेनी लात, काफ़ी खतरनाक लात मोटू का। मोटू द ग्रेट का यह ठुड्डा उस पर याद रहेगा तुम्हें उम्र भर। चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा तुम्हारे, बोटी बोटी काट डालूंगा। स्टेन गन वार करने बढ़ा, लेकिन दुबली पतली लाख ने एक बार फिर से कमाल दिखाया और खटाक कर दिया उसे। और मोटू ने दिखा दिया वो भी क्रुकबाण से कम नहीं। ये देखिए ज़बरदस्त किक, ज़बरदस्त एंगल से बनाया हुआ हाथी सा मोटू, हाथी का अंडा। मोटू दि ग्रेट का यह ठुड्डा उम्र भर याद रहेगा तुझे, धड़ाक। और ये देखिए इसके चेहरे पे कितनी दर्द झलक रही है, जैसे कि पार्टी करके आदमी निकलता है और उस पर दर्द झलकता है, वैसे इसके चेहरे पे दर्द झलक रहा है। स्टेन गन को लात घूसों पर रखकर रख लिया था क्रुकबाण और मोटू ने। अब तू मोटू दि ग्रेट के परखच्चे में फंस चुका है, नाक बचाना चाहता है तो बता दे कहाँ है AK-47 गैंग का हेडक्वार्टर। हाँ हाँ बोल दे, वरना तेरी नाक उखड़ जाएगी। टॉर्चर करना बेकार है क्रुकबाण, स्टेन गन के मुँह से तुम एक शब्द भी नहीं उगलवा पाओगे, एक शब्द भी। कहते कहते झाग निकलने लगी थी स्टेन गन के मुँह से। कुछ समझ पाते क्रुकबाण और मोटू उससे पहले उसकी गर्दन एक और ढलक गई। बाण भैया ये तो मर गया, इसके दांतों में अवश्य छोटे पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल छुपा रहा होगा। इसी पर गूंज थी कुछ गिरने की हल्की सी ध्वनि, टन। बाण भैया इसके हाथों से क्या गिरा है? हा 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 हा, क्या हुआ बाण भैया? आपके रिकार्ड की सुई कैसे अटक गई? मेरे पास मत आ मोटू के बच्चे, तेरे हाथ में हैंड ग्रेनेड है। हैंड ग्रेनेड? हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड उछाल लिया, अब ना बचेगी यह जगह, भागो। जान खतरे में देखकर दोनों ने जबरदस्त पिकअप लिया था। मोटू के बच्चे तेरी वजह से मेरी इकलौती जान आफत में आ फंसी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बू, आज खैर नहीं है मेरी तशरीफ की। इधर बाहर निकले क्रुकबाण और मोटू, उधर बम सा फट पड़ा पूरा बोडाम पड़ा। तुम ठीक हो ना बांड भैया? हाँ रोमी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम स्टेन गन को जीवित नहीं पकड़ पाए। वह पकड़ जाता तो AK-47 और उसके बास के विषय में बता सकता था कि कौन है हथियारों का मुख्य सौदागर। तुम्हारा ये कारनामा भी कम नहीं है बांड भैया, देखने देखना कल के सारे अखबार तुम्हारी प्रशंसा के गुणगान से ही भरे मिलेंगे। खैर छोड़ो उसे, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा। सिगरी रोमी के घर के सामने थे बांड और मोटू। तुम्हारा घर आ गया है रोमी, अब हम चलते हैं। नहीं क्रुकबाण भैया, डैडी से मिले बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आओ अंदर चलें। रोमी का आग्रह न टाल सके क्रुकबाण और मोटू। जल्दी ही रोमी अपने पिता शहर के जाने माने रईस टॉम अल्टर के सामने थी। रोमी माई चाइल्ड, कहाँ थी तुम? हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे डैडी। ओ डैडी, आप तो बेवजह फिक्र करते हैं, अब बच्ची नहीं रही। बुजुर्गों के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं रोमी, चाहे वह कितने ही बड़े हो जाएं। उफ़, आपसे बहस करना बेकार है, खैर छोड़िए इन बातों को और इनसे मिलिए। यह है क्रुकबाण और मोटू भैया, अगर आज इन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो आपकी बेटी यमराज के सामने खड़ी होती। फिर रोमी ने सारी बात अपने पिता को बता दी। सारी बात सुनकर नाट के रूप में बरस पड़ा ताम अल्टर का प्यार। तुम्हें कितनी बार कहा है प्रेस रिपोर्टर का काम छोड़ दे, लेकिन न जाने तुझे खतरों से लेकर इतना शौक क्यों है। इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए। फिर चाय ही क्या, तगड़ा नाश्ता करने के बाद ही क्रुकबाण और मोटू को वहाँ से जाने दिया रोमी ने। एक दिन में ही रोमी को हमसे इतना लगाव हो जाएगा ये नहीं सोचा था हमने। सही कह रहे हैं आप बांड भैया, काफ़ी सुंदर पिक्चराइजेशन, उस 90 के दशक की शानदार चित्रांकन, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, सारे डिजाइन अच्छे। दैट्स वाई मनोज कबीर इज द एवर बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया। अगले दिन शहर के सभी अखबार क्रुकबाण की अपार प्रशंसा से भरे हुए थे। मनोज टाइम्स, दैनिक खबरें, क्रुकबाण द्वारा हथियारों के एक बड़े जखीरे का सफाया, क्रुकबाण का एक और शानदार कारनामा। AK-47 की क्रोध में धधकती आग में घी का काम किया था उन अखबारों ने। आज जो अखबार तेरा गुणगान कर रहे हैं क्रुकबाण, वही तेरी मौत का मातम भी मनाएंगे।
और तेरी मौत इतनी भयानक होगी कि पूरी दुनिया कांप उठेगी, ये वादा है AK-47 का अपने आप से। इधर कुर्कबांड के ही घर में हो रहा था एक अजीब तमाशा। नहीं बापूजान, डिस्को में कुछ नहीं मजा आएगा, ब्रेक डांस करके दिखाओ तो बात बने। तो ये कुर्कबांड की एक छोटी सी प्यारी फैमिली जिसमें बांड, मोटू और उसके पापा यानी धमाका सिंह डांस करते हुए। सचमुच अगले ही पल इंस्पेक्टर धमाका सिंह करने लगे ब्रेक डांस, आई एम ए ब्रेक डांसर। तो इसीलिए मनोज कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशन में आ गए हैं। वाह बापू जान वाह, अब जरा एक डांस खलनायक स्टाइल में भी हो जाए, अभी ले पुत्र। अगले पल माधुरी दीक्षित के तरह कमर मटका रहे थे धमाका सिंह, कू 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 कू, वाह वाह मजा आ गया। वह आश्चर्य के सागर में डुबकियाँ लगा रहा था मोटू, बांड भैया प्लीज़ अब तो बता दो फूफा जी पर कौन सा जादू कर दिया है जो वे आपके इशारे पर तिगनी का नाच नाच रहे हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। हे इतना तड़प रहा है तो बता ही देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा किसी रईस से पाला पड़ा था। कुर्कबांड ने अपनी जेब से एक शीशी निकालकर मोटू के सामने रख दी। यह कमाल इस शीशी में भरे द्रव का जिसे मैंने लगातार 3 दिन तक मेहनत करके बनाया है। इसे पते ही कुछ समय के लिए आदमी का मस्तिष्क उसकी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वह दूसरों के इशारे पर नाचने लगता है। और ट्रायल के लिए मैंने थोड़ा सा द्रव्य चाय में मिलाकर बापू जान को पिला दिया था और तब से वह मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। ओह लेकिन यह ठीक कैसे होगा, इस दवा का असर अस्थाई है, कुछ देर बाद दवा का असर ख़त्म हो जाएगा तो यह सामान्य हो जाएंगे। इसी पल धमाके के साथ नीचे आ गिरी कमरे की दीवार, प्रणाम धड़ाक, और शैतान की भांति कुर्कबांड और मोटू के सामने आ खड़ा हुआ था हैंड ग्रेनेड। स्टेन गन के बाद तुम्हें मारने का काम मुझे सौंपा गया है AK-47 के ने, और मैं कभी नाकाम नहीं होता। तीव्र गति से दौड़ रहा था कुर्कबांड का दिमाग, मोटू यहाँ लड़ने से बापू की जान को खतरा हो सकता है, इससे बाहर मुकाबला करना होगा। दौड़ पड़ा हैंड ग्रेनेड उनके पीछे, भाग कर तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे बच्चों, बच मोटू, धड़ाम। उफ ये कमबख्त तो बहुत तेज़ी से हमला करता है। हैंड ग्रेनेड से बचने का प्रयास में पास ही खड़ी एक भैंस के सामने जा गिरा मोटू, और भैंस का शानदार चित्रांकन, भैंस भी काफ़ी कातिल भरी निगाहों से देखते हुए बांड और मोटू को। इसी पल उफ इस कमबख्त भैंस ने भी ठीक इस गोबर करना था छप छपाक। तो उसी समय भैंस जो है ठीक मोटू के सिर पर गोबर फेंक देती है। अचानक फूल सा खिल उठा गोबर का, मोटू का गोबर से भरा चेहरा। गोबर तो बहुत काम की चीज़ होती है भाई। अगले पल लो संभाल प्यारे हैंड ग्रेनेड, तेरे ग्रेनेडों का मुकाबले में आया है मेरा गोबर ग्रेनेड। छपाक ठीक निशाने पर जा बैठा मोटू का गोबर ग्रेनेड। छपाको आँखों में पहुंची चोट के कारण हलक फाड़ कर चीख उठा हैंड ग्रेनेड, आई या। हैंड ग्रेनेड का खुला मुंह देखकर कुर्कबांड ने निकाल ली थी अनोखे द्रव्य से भरी शीशी। अगर मेरा तरीका काम कर गया तो ये पालतू कुत्ते की तरह दुम ही रहेगा, ऐसे मौकों पर कुर्कबांड का निशाना कभी चुकता है भला। गप से हैंड ग्रेनेड के हलक में प्रवेश कर गई शीशी। गप पलक झपकते ही द्रव्य ने अपना कमाल दिखाया, मैं हूँ हैंड ग्रेनेड, आता हूँ जाता हूँ लोगों के चिथड़े उड़ाता हूँ, मैं हूँ हैंड ग्रेनेड। वाह भैया वाह, क्या नाचते हो, जरा कुछ अपने बारे में भी तो बताओ, कहाँ से आए हो, किसके इशारे पर आए हो, और हाँ ये सब बातें अगर गा गा कर बताओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। द्रव के प्रभाव में डूबा हैंड ग्रेनेड कुर्कबांड की हर बात का जवाब गा गा कर देने लगा। हैंड ग्रेनेड है मेरा नाम, आता हूँ AK-47 के काम, रिवाल्वर पार्क में बनी रिवाल्वर में है जिसका धाम। सब कुछ जानने के बाद बस भैये पूरा हो गया तेरा काम, अब तू कर ले थोड़ा आराम। धड़ाक दुबली पतली नाक ने ज़बरदस्त पंच दिया और आगे का मुंह सूज गया उसका। कुछ देर बाद कुर्कबांड और मोटू पूरी तैयारी के साथ रिवाल्वर पार्क पहुंच चुके थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि बच्चों के इस पार्क में हथियारों का सौदागर का अड्डा होगा, आज तबाह होगा ये अड्डा और इसमें मौजूद हथियारों के सौदागर। अरे ये आवाज़ कैसी घर,
अचानक वातावरण में गूंजने वाली आवाज़ सुनकर चौंक उठे थे दोनों। पीछे मड़े तो कांप कर रह गए। बांड भैया, यह रिवॉल्वर के मुंह से छोटे छोटे प्लेन निकालकर हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? खतरे को तुरंत भापा कुरुकबांड ने। इन प्लेनों में बारूद भरा हुआ है मोटू, बचो। बड़ाम बड़ाम उफ, बाल बाल बचे, वरना उन प्लेनों के साथ साथ हमारे भी चिथड़े उड़ गए थे, उड़ जाने थे। धड़ाम धड़ाम। सावधानी से खड़े हुए कुरुकबांड और मोटू, रिवॉल्वर का मुंह ही अंदर जाने का एकमात्र द्वार है, हमें यहीं से अंदर प्रवेश करना होगा। और ये शानदार चित्रांकन गन का इसलिए मनोज कॉमिक्स सुपीरियर कॉमिक्स है। मार्वल और डीसी की जो रेंज है और जो चित्रांकन है, जो डिजाइनिंग है, वो बहुत अल्ट्रा लेवल पर है। लोग अभी तक कुछ न कुछ उसको डेवलप करके डाल रहे हैं। ध्यान से मोटू, सभी रिवॉल्वर के मुंह में घुस जाते हैं। और एक बेहतरीन दृश्य, क्रिएटिविटी का एक शानदार नमूना। लेकिन लाख सावधानी के बाद भी कुरुकबांड और मोटू स्वयं को फिसलने से नहीं रोक सके। अरे ओफ, और जाकर गिरे मौत के साए में। दुश्मनों को अपने घर में शानदार स्वागत करता है AK-47। AK-47 बड़ा धासु नाम है उस्ताद, किसने रखा है? नहीं, जब हथियारों के धंधे में आया तो मैंने ही अपना यह नाम जान रखा था, क्योंकि आजकल हथियारों में सबसे ज़्यादा प्रचलित AK-47 ही है। वैसे अभी और कुछ और पूछना है तो पूछ लो, मैंने भी ना कहना कि मरते समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की। AK-47 के इशारे पर तन गई उसकी आदमियों की गने। पूरी तरह कुरुकबांड से मुखाबिक AK-47 अनजान था मोटू की ओर से, जिसके हाथ में चमक रही थी एक अनोखी गन। इन इंजेक्शनों में बांड भैया द्वारा ईजाद की गई दवा भरी जो इसका दिमाग पलट कर रख देगी। हवा में लहराए इंजेक्शन और सभी के शरीरों में ज्यादा से पलभर बाद ही दवा ने अपना असर दिखाया और मोटू ने दगा आदेश, सब लोग मुर्गे बन जाओ और बोलो कुकड़ू कु। तुरंत ही पालन हुआ मोटू के आदेश का, कुड़ू कु कुकड़ू कु। और वहां पर मोटू उस ग्रुप में पहुंच करके सभी के शरीरों में इंजेक्शन को धसा देता है और सभी मुर्गे बन जाते हैं। इधर कुरुकबांड पर भारी पड़ रहा था AK-47। ट्रा 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 लगातार रोल में लिए हुए था कुरुकबांड को। सिर्फ नाम ही नहीं, काम से भी AK-47 ही हूँ मैं, और सिर्फ गोलियाँ ही नहीं, गोले भी छोड़ता हूँ मैं। उफ, ये तो बहुत भयानक ढंग से प्रहार कर रहा है। दुबली पतली नाक और लंबी टांग ने फिर दिखाया अपना कमाल। अब तो मौत से बचने के लिए मौत का खेल खेलना ही पड़ेगा। धड़ाक लड़खड़ाए जो AK-47, तो कुरुकबांड ने निकाल ली अपनी विशेषण गन। ओह, मेरी गन से निकली ये फ्रीज किरणें तुम्हारे हाथों की गोलियां बरसाने लायक नहीं रहने देंगी। फ्रीज हो चुके अपने हाथों को अभी स्तब्ध खड़ा देख ही रहा था AK-47 की नोच लिया कुरुकबांड ने उसका मास्क। मास्क के नीचे छुपा चेहरा देख ऐसे चौका कुरुकबांड, मानो एफिल टावर और कुतुब मीनार को लाल किले के मैदान में कबड्डी खेलते देख लिया हो। टॉम अल्टल, तुम AK-47 हो? हाँ मैं, लेकिन मेरा राज जानकर तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। धड़ाक अपने फ्रीज हुए हाथों से दबा दिया टॉम अल्टल ने कंट्रोल बोर्ड पर लगा एक स्विच। इसी के साथ कुरुकबांड और मोटू पर आ गिरा हुआ जाल जिसमें लगे थे खतरनाक बम। अब तुम दोनों नहीं बच सकते मेरे हाथ से, गोलियां छूटते ही ब्लास्ट हो जाएंगे इस जाल में बंधे हुए बम और चिथड़े उड़ जाएंगे तुम दोनों के। हा हा हा। नहीं पापा नहीं, मेरे रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस बार कुरुकबांड और मोटू फंस जाते हैं। अब तुम दोनों नहीं बच सकते हो मेरे हाथ से, गोलियां छूटते ही ब्लास्ट हो जाएंगे इस जाल में बंधे हुए बम और चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। हा 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 हा। नहीं पापा, मेरे रहते तुम ऐसा नहीं घर करोगे। रोमी, तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुरुकबांड और मोटू भैया का पीछा करके, जिस समय से हैंड ग्रेनेड से आपका पता जानकर यहाँ से रवाना हुए थे तभी से मैं इनके पीछे थी। तुमने यहाँ कर अच्छा ही किया रोमी, कभी ना कभी तो यह राज तुम पर खुलना ही था। अब हम दोनों बाकी बातें बाद में करेंगे, पर मैं इन दोनों जासूसों को यमराज के पास पहुँचा दूँ। शेरनी सी बिफर पड़ी रोमी। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप बांड और मोटू भैया को आज़ाद कर खुद को कानून के हवाले कर देंगे।
तेरा दिमाग तो ठीक है रोमी, जानती भी है क्या करी है तू अरबों खरबों रुपए का बिजनेस छोड़कर। मैं जेल के सलाखों के पीछे एड़िया रगड़ कर, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों अवश्य मरेंगे, इनकी मौत ही मेरी ज़िंदगी है। गरज उठी रोमी, रुक जा पापा वरना मैं आपको रोकने के लिए मजबूरन मुझे गोलियां दागनी पड़ेंगी। मुझ पर गोली दागेगी तू? ऐसा नहीं कर सकती, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती तू। मैं तेरा पापा हूँ और अपने पापा से बेइंतहा प्यार करती है मेरी बच्ची, इसलिए बेवकूफ़ी करना छोड़ और देख इनकी मौत का नज़ारा। लेकिन उनसे गोलियां उछल पाती उससे पहले ही रोमी के हाथ में थमी रिवाल्वर ने उगली गोली धाय पापा। तन गए टॉम अल्टर के गन, पछाड़ खाकर नीचे आ गिरा AK-47 उर्फ रोमी का पिता पापा उर्फ टॉम अल्टर। अजीबोगरीब इमोशनल सीन, एक बाप पर एक बेटी गोली चलाने को मजबूर, उर्फ रोमी का पिता पापा। स्तब्ध खड़े थे जाल से आजाद हुए क्रूकबंड और मोटू। उफ, त्याग और देशभक्ति की ऐसी मिसाल कभी कभी ही देखने को मिलती है। काश पापा, काश आप देश के गद्दार ना होते, काश आप देश में आग लगाने वाले हथियारों के सौदागर ना होते, काश। समाप्त। तो मित्रों, मनोज कॉमिक्स का एक शानदार एक स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी और नई वीडियोस और बेहतरीन स्टोरी पर बैक्ड, बेहतरीन कहानियों पर आधारित कॉमिक्स खोजता रहता हूँ। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।